फरीदाबाद लोकसभा चुनाव से पहले एक और बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन प्रिथला विधानसभा क्षेत्र में किया गया। तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे लोकसभा उम्मीदवार कृष्ण पाल गुर्जर ने विधिवत रूप से चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री सीमा त्रिखा समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है विजेंद्र नेहरा जी, उन्होंने एक पार्टी का अपना कार्यालय यहाँ पर सेक्टर 65 है, सेक्टर 65 में बनाया गाँव में सेक्टर 65 में। तो पार्टी की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका ये कार्यालय मील का पत्थर सिद्ध होगा और इस कार्यालय के द्वारा लोगों की दुख तकलीफें जो हैं उनका समाधान होगा, उन पर सुनवाई होगी और कार्रवाई भी होगी। तो ये क्षेत्र इस इलाके के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो इसलिए इस कार्यालय के उद्घाटन पर मैं भाई विजेंद्र नेहरा जी को बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। वही इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में की जा रही लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा, इनको अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ रहा है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं जी। इस देश के लोगों ने इन ठगों की ठगबंधन की सरकार को भोगा है। देश की क्या दुर्दशा हो गई थी, लाखों लाखों करोड़ के घोटाले, 12 लाख करोड़ के घोटाले इन लोगों ने किए थे, आज सब जमानत पर हैं। तो इसलिए इन्होंने देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में जो गिराया वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए ये कितना भी प्रयत्न कर लें, देश के लोगों ने ये ठान लिया है कि तीसरी बार भी मोदी जी को 400 पार करवा कर रहेंगे। देखिए कोई डर नहीं है इस देश में, डर है भ्रष्टाचारियों को, घोटालेबाजों को, बेईमानों को। और मोदी की ये गारंटी है, जिन्होंने भी देश की संपत्ति को लूटा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। देश की संपत्ति को लूटने वालों को मोदी सरकार बख्शेगी नहीं। आपको बता दें कि आज लोकसभा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर प्रिथला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री सीमा त्रिखा सहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।